अब बात करेंगे कैसे कुख्यात गिरोह की जिसके सदस्य चार पहिया वाहनों के साइलेंसर चोरी किया करते थे, लेकिन ठाणे पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए इस गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में अलग अलग साइलेंसर बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मुंबई, गोवा, पिंपरी चिंचवड़, नासिक और ठाणे शहर के अलग अलग इलाकों में कार के साइलेंसर चुराने का गुनाह कबूल किया है। सबसे पहले आपको बता दें कि ठाणे शहर के खारे गांव परिसर से एक इको कार का साइलेंसर कुछ दिन पहले चोरी हुआ था, जिसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में पीड़ित की तरफ से की गई। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद खारे गांव इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को सबसे पहले खंगालना शुरू किया, जिसमें पुलिस ने यह पाया कि साइलेंसर चुराने वाला शख्स मुंबई के कुर्ला इलाके में रहता है और उसके बाद पुलिस ने कुर्ला के कापड़िया नगर में रहने वाले शमसुद्दीन शाह को गिरफ्तार किया। उसके बाद शमसुद्दीन की निशानदेही पर नदीम कुरैशी, शमसुद्दीन खान और सद्दाम खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में चुराए गए इको कार के साइलेंसर पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह की खासियत यह है कि ये खासकर इको कार को अपना निशाना बनाया करता था और ये इनका पिछला इतिहास आपराधिक पृष्ठभूमि वाला रहा है। 6 तारीख को हमारे यहाँ पे मारुति सुजुकी इको कार का साइलेंसर चोरी होने की घटना हमारे यहाँ पे कलवा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई थी। उसके तहत जब हमारा इंट्रोगेशन शुरू हुआ था, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था, तब सीसीटीवी फुटेजेस और जो गोपनीय हमारे बातमीदार है उनके तहत हम लोग कुर्ला तक हम पहुँच पाए। चारों आरोपियों से हमने पता कर लिया और चारों आरोपी ये कुर्ला में रहने वाले हैं। उनका नाम है शमसुद्दीन शाह, नदीम कुरैशी, शमसुद्दीन खान और सद्दाम खान। ये चारों आरोपी को जब हमने गिरफ्तार किया तो उनके पास से करीबन 25 ऐसे वारदात सामने आए, जिसमें 25 साइलेंसर हमने उन चारों आरोपियों से हमने जब्त किए हैं। उनकी कुल कीमत है 6,25,000 के करीबन हमने कीमत के साइलेंसर हमने बरामद किए हैं। और ये 25 घटनाएं, उसमें से ठाणे सिटी में 6 हुए थे, पालघर में करीबन 4 हुए, नवी मुंबई में 3 हुए हैं, पुणे रूरल में करीबन 8 से 9 घटनाएं हुई है, पिंपरी चिंचवड़ में, पूना सिटी में और गोवा में भी एक घटना का उस पर जो चोरी हुई थी उसमें हमने उसको हमने इन्वेस्टिगेशन में उसको निकाल लिया है, उसका डिटेक्ट किया है। इस तरीके से वो सिर्फ इको कार की ही चोरी साइलेंसर की करते थे और उसमें से कुछ थोड़ा सा पार्ट में जो उसकी जो प्लैटिनम रहता है वो निकाल के वापस दोबारा मार्केट में रीसेल के लिए ये लोग उसको लाते थे।